हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ याशिका। मैं हूँ नवीन। वेलकम टू आवर चैनल हिंदुस्तानी इन जापान। और आज हम जा रहे हैं स्ट्रॉबेरी पिकिंग, जो हंचित को बहुत पसंद है और हम सबको बहुत पसंद है। तो आज हम लोग पूरे फ्रेंड सर्कल हम लोग स्ट्रॉबेरी पिकिंग में जा रहे हैं और हम आपको जब हम जाएंगे रास्ते का भी साइड व्यू दिखाएंगे। काफी अच्छा है टनल और वो सब। यहाँ पर एक टनल आती है जो कि पूरी सी के नीचे बनी हुई है और अराउंड 10-15 किलोमीटर है एग्जैक्ट, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। उसके बाद जैसे ही हम वहाँ से टनल के बाहर निकलते हैं जो व्यू है ऑसम है, तो आज हम दिखाते हैं आपको। टू आइडेंटिफाई कि स्ट्रॉबेरी फार्म्स कहाँ हैं, अगर आप गूगल मैप पे जाकर स्ट्रॉबेरी फार्म्स इन किसाराजू सर्च करते हैं तो यू कैन फाइंड सो मैनी स्ट्रॉबेरी फार्म्स इन दिस एरिया। और कावासाकी या टोक्यो रीजन से आने के लिए हमें टोक्यो बे एक्वा लाइन को क्रॉस करना होगा। इट्स अ टनल मेड इन द सी एंड यहाँ से जब आप आएंगे तो यू कैन सी सो मैनी स्ट्रॉबेरी फार्म्स। जो भी आपको किसाराजू एरिया के स्टार्टिंग में ही मिल जाए यू कैन सेलेक्ट दैट। जैसे कि अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमें वेबसाइट पे यहाँ पे लिंक मिल जाएगा। बट हम लोग जो गए थे तो हमने ये वाली सेलेक्ट किया था, दिस इज़ इचीगो। और हम अगर इसकी वेबसाइट पे जाएं तो वी कैन फाइंड लॉट ऑफ डिटेल्स हेयर। और अगर हम यहाँ क्लिक करते हैं तो वो बताएगा कि कौन कौन से टाइप्स ऑफ स्ट्रॉबेरी वहाँ पर हमें मिल जाएंगी। एंड अगर आपको इसके प्राइसेस चेक करने हैं, क्लिक हियर। अप्रैल 5th तक, गोल्डन वीक तक जो है इसके प्राइसेस हैं वो 1200 येन है पर 400 ग्राम्स एंड 300 येन एक्स्ट्रा फॉर ईच 100 ग्राम जो आप एक्स्ट्रा ऐड करेंगे। 4 ईयर्स एंड अबव जितने भी एडल्ट या किड्स हैं उनके चार्जेस लगेंगे, दीज चार्जेस। एंड उसके अलावा जो इसके टाइमिंग्स हैं वो अभी मॉर्निंग 10 to 4 हैं और आपको बुकिंग करानी होगी। वन डे बिफोर आप कॉल करके अपना टाइम स्लॉट ले सकते हैं। तो अभी हम लोग उमी उतारों में जाने वाले हैं। टनल इज कम्प्लीटली इन साइड द सी, वी हैव जस्ट एंटर इन टू द टनल। ये अच्छे अच्छे फैन लगा रखे हैं इतने ह्यूमिडिटी ना हो, ये जो एरोप्लेन खराब हो जाते हैं उनका फैन निकाल दिया। अभी हम लोग टनल के अंदर है और यहाँ पे सिग्नल बिल्कुल नहीं आता है, तो अगर आप आ रहे हैं तो ध्यान रखें गाने डाउनलोड करके रखना। यहाँ गाने बंद हो चुके हैं सभी के, अभी बाइक चला रहे हैं। GPS सिग्नल लॉस्ट, सिग्नल इज बैक, गाने भी चल चुके हैं। तो यहाँ से अभी हम बाहर आ गए हैं, लग रहा है गोइंग इन द सन। वाओ व्यू, समुंदर में जा रहे हैं हम लोग, पूरा का पूरा समुंदर में मूव हो रहे हैं। ड्राइविंग इन द सी निधि, और आज सनी डे है तो बहुत ही अच्छा रहेगा बच्चों के लिए। तो यहाँ पर हमने एक्सप्रेस वे छोड़ दिया है, एग्जिट ले लिया है सोदेगुरा में। यह है चिबा एरिया पूरा। लेफ्ट लेते हुए वाओ, गाने भी मस्त लगा दिए इश्क ने। स्ट्रॉबेरी फार्म में आ गए हैं, यहाँ पार्किंग फ्री है, आप आइए और लगाइए। इसकी जो टाइमिंग है वो 10 बजे से है, 10 बजे से स्टार्ट होगा 10 o'clock, तो उससे पहले अभी हमें वेट करना होगा। ये है स्ट्रॉबेरी पिकिंग, अगर आप ध्यान से देख पाएँ मल्टीपल रोज बनी हुई हैं एंड आपको जाके अपनी स्ट्रॉबेरी पिक करनी है। तो अभी हम लोग जाने लगे हैं स्ट्रॉबेरी फार्म। दैट्स द एंट्री टू स्ट्रॉबेरी फार्म,
वी हैव डन रिजर्वेशन, तो देखते हैं क्या होता है। ये है इनका चाट, 400 ग्राम जो है आपको 1200 येन में मिलेगी, 300 येन लगेंगे अगर आप 100 ग्राम एक्स्ट्रा लेते हैं। तो इन्होंने रेट चार्ट लगा रखा है आपका, 4 साल से ऊपर के बच्चों के पैसे हैं, 4 साल से नीचे वाले फ्री। और स्ट्रॉबेरी किस टाइप की होगी आपको हम दिखा देते हैं। ये है क्वालिटी उसका, बड़ी बड़ी स्ट्रॉबेरी भी है, अगर छोटी चाहें तो वो भी है, और कच्ची चाहें तो वो भी है। तो अभी हमने टिकट ले ली है, अभी हम लोग अंदर जाएंगे। पर अरेंजमेंट यहाँ प्रॉपर अरेंजमेंट है कि जाने से पहले आप अपने हैंड वॉश कर लीजिए। हांजी दी ऑल्सो वॉश योर हैंड्स। टेम्परेचर वाली आंटी आ गई, चलो टेम्परेचर चेक करके भेज रहे हैं बच्चों का भी। ये हमें मिला है, इसमें हमें अपनी स्ट्रॉबेरी पिक करके लेकर जानी है। खुद ही प्लग करेंगे, जो आपको सबसे अच्छी लगे वो आप तोड़ सकते हैं और इसमें डाल के जा सकते हैं। ये है स्ट्रॉबेरी फार्म, ये देखिए वो जहाँ जहाँ तक आपकी नज़र जाती है वहाँ पे स्ट्रॉबेरी लगी है, और यहाँ पर भी बहुत सारी रोज़ हैं और हर रो में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉबेरीज लगी हैं। आपको एक अच्छे से नज़दीक से दिखाता हूँ, ये है क्वालिटी ऑफ स्ट्रॉबेरी, सबसे छोटी से लेके बड़ी तक हर साइज़ की आपको स्ट्रॉबेरी दिखेगी। डेली नई नई स्ट्रॉबेरी आती रहती है, लोग तोड़ते रहते हैं और नई नई आती रहती है। भाई लोग सुनो सुनो, 400 ग्राम का है और हमको जो बताएगी उस एरिया में जाना है। देयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रॉबेरी, तो अलग अलग टाइप्स लिखे हुए हैं और वेइंग मशीन लगा हुआ है, तो 400 अपना नापते रहो, 400 ज्यादा हो गया तो बंद कर दो क्योंकि फिर पैसे लग जाएंगे। एंड ऑल्सो अनदर थिंग, इन्होंने बोला कि ऐसे नहीं कि घींच के मत तोड़ना, इनका प्लांट डैमेज नहीं होना चाहिए, धीरे से आराम से तोड़ो, ये तो हाथ जैसे कर सके तोड़ो आराम से धीरे से। ये हमें बताने लगी है कि कहाँ से तोड़ना है। ये इसका वेट ना के बराबर ही है। ये तोड़ के दिखा रही है कैसे तोड़ना है। अभी आराम से ऐसे करके ऐसे करेंगे टूट जाएगा, नहीं टूटेगा ना तो लास्ट में नहीं टूटेगा तो इसको तोड़ सकते हो, या इसको बस ऐसे छोड़ के नहीं खींचना, आराम से ऐसे उठा के उन्होंने ऐसे किया तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो लॉट ऑफ स्ट्रॉबेरी, और ये यहाँ पर हैंगिंग रहेगी, आप इसको आराम से तोड़ सकते हैं। यहाँ पर मल्टीपल रोज़ हैं और हर रो में इस तरीके से नाम दिया है, तो आप नाम के हिसाब से अपनी स्ट्रॉबेरी पिक कर लीजिए और हर टाइप की स्ट्रॉबेरी लेके जाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हर स्ट्रॉबेरी का टेस्ट डिफरेंट होगा। तो अभी हम आपको प्लग करके दिखाते हैं कि कैसे प्लग करना है। The quality of the strawberry, you can see. आपने अपने हैंड से सेलेक्ट करके स्ट्रॉबेरी ली और उसको अपने बॉक्स में रखा, परफेक्ट। सो दैट्स द वन रो दैट वी हैव कम्प्लीटेड। इस रो में चलते हैं, देखते हैं इसमें थोड़ी, ये देखो कितनी लंबी लंबी है, इट्स अ डिफरेंट टाइप ऑल टुगेदर। This one, I like this one. अगर आप देखेंगे ये पूरी पक चुकी है, इट्स ऑलमोस्ट रेडी। हम ऐसा नहीं है कि सारी पकी हुई लेंगे बिकॉज वो ख़राब हो जाएंगी, हमने तो 1 kg लेकर जानी है। तो इसको हमने प्लग किया एंड यू कैन सी इट्स अ टॉल वन, आई कैन शो यू, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड द डिफरेंस। दिस इज़ अ टॉलर वन, ये देखो बहुत ही क्यूट सी दिखी है मुझे, एक ये बहुत ही क्यूट सी दिखी है। And that's very easy to break. And ये जो क्यूट सी है इसको मैं तोड़ता हूँ, but I need to be sure that वो गिरे नहीं। ये देखिए बहुत easily break हो गई, and that's very small also. But देख रहे हैं पक गई है वो, small होने के बावजूद भी तैयार हो चुकी है।
तो इट्स रेडी नाउ, सो विल कीप इट हियर। ये अब आपकी स्ट्रॉबेरी बन चुकी है, ये खिल के बाहर आ चुकी है, ये बड़ी हो चुकी है, ये एडल्ट बन चुकी है और इसका कलर चेंज होना स्टार्ट हो चुका है एंड नाउ इट्स ऑल्सो चेंजिंग टू रेड कलर एंड ये पूरी की पूरी रेड हो चुकी है। तो हमें ये अच्छी लग रही है, ये छोटी सी अच्छी, ये बड़ी वाली लेंगे हम, ये अच्छी लग रही है, ये थोड़ा मिक्स कलर है, थोड़ा रेड थोड़ा मिक्स कलर है, तो हम ये वाली लेंगे। चलो अभी हम एक बार वेट चेक कर लेते हैं इसका, कितना वेट हो चुका है, सो दैट वी कम टू नो कि हमने और कितनी प्लक करनी है। ओनली 100 grams। ये है अलग टाइप की, इसमें मुझे जैसा फील आ रहा है कि इसमें ऑरेंज, ये देखो इसके जो फ्लावर हैं इसका कलर भी पिंक है, बाकी सब जगह वाइट कलर के फ्लावर्स थे, इसके फ्लावर भी पिंक हैं, तो इसका बेस्ट टेस्ट होने वाला है। वाओ, सो मेनी स्ट्रॉबेरीज, स्मॉल साइज, ओ वाओ, दैट्स अनदर शेप, अनदर शेप। सो अभी हम लोगों ने 5 types की स्ट्रॉबेरी ले ली है और अभी हमारी सिर्फ 150 ग्राम्स ही हुई है, 400 ग्राम्स लेनी है, तो अभी तो बहुत सारी स्ट्रॉबेरी लेनी है, अभी बहुत काम है बाकी। ये देखिए, ये एक और, ये दिस इज द बिगेस्ट साइज जो अभी तक मैंने देखी है एंड बहुत सॉफ्ट है, ये देखिए टूटने में कितना इजी है। ये देखो अंची, इसको प्लग करो, हाँ वेट 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 वेट, हाँ ओके ओके वेट, वेरी नाइस, कीप इट हेयर इन योर बॉक्स, ये हेयर लीव इट, छोड़ दो, हाँ वेरी गुड, नाउ इट्स अवी टर्न, कम हेयर अवी, आई टोल, वेरी नाइस, कीप इट हेयर अवी, हेयर हेयर कीप इट हेयर, वेरी नाइस। विच वन डू यू लाइक? एक्चुअली मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा हरी लूँ, ताकि हम 3 packets है हमारे, तो हम धीरे धीरे इसको खाएं। बहुत ही सॉफ्टली प्लग किया तुमने, वेरी इंटेलिजेंट, अच्छी लग रही है यार। शी इज फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू सेलेक्ट, तो प्यारा लग रही है बच्चा ना, सी वाओ दी स्ट्रॉबेरीज, ये कैसी लग रही है, एप्पल स्मॉल एप्पल की तरह लग रही है ना, ले लूं ये वाली, ले लो, नहीं ये नहीं, आ गया आ गया, मैं दिखाता हूँ, देखो ये कितनी फ्लैट सी, ये देखो बिल्कुल फ्लैट सी, ये देखो ये भी एप्पल लग रही है, ये बिल्कुल फ्लैट शेप में है, तोड़ो इसको, दिस इज द बिग, दिस इज वेरी बिग, क्या हुआ, देखो ये पहले एकदम स्मॉल सी बूटी टाइप होती है ये वाली, सी दिस वन, फिर उसके बाद ये ऐसे ये फ्लावर आना स्टार्ट होता है वाइट, ये स्मॉल वाला फ्लावर, देन ये फ्लावर जब बड़ा होता है इस शेप में आता है, ठीक है, उसके बाद ये यहाँ से ऐसे शुरू होता है, ये झड़ जाते हैं इसके पत्ते ना, फ्लावर्स के जो पेटल्स हैं वाइट वाली, ये निकल जाती हैं, फिर ये ऐसे स्ट्रॉबेरी शेप में आना शुरू होता है, जो अंदर वाला इसका पोर्शन है ना स्ट्रॉबेरी शेप में आना शुरू होता है, स्ट्रॉबेरी शेप में ऐसे आते आते ये इस लेवल पर आ जाता है, ठीक, फिर उसके बाद धीरे 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 ये ऐसे होती हैं, देन इस फॉर्म में आती हैं, देन ओ माय गुडनेस इस फॉर्म में आती हैं, तो स्टार्ट होता है ये प्रोसेस यहाँ से स्टार्ट होते हुए ये सारा ऐसे घूमते हुए, और फिर जब ये पूरी बन जाती है तो इसको हम ऐसे निकाल लेते हैं और अपने पैकेट में डाल लेते हैं। ऐसी एक आधी ये भी ले लेती हूँ, द रीजन इज घर पे जाएंगे एक दो दिन बाद खाएंगे तो तब तक ये पक जाएंगे, वेट चेक करके देंगे ये, हाय दाजो दाजो दाजो, वेट चेक करके फिर आपको निकाल के लिफाफे में डाल के अच्छे से देंगे, देखो हमें 3 packets मिले हैं।
लेट्स गो। ये अंची क्या लेके आए? कितनी सारी स्ट्रॉबेरी के साथ में मैचिंग। कैसा है टेस्ट? खट्टी है क्या? मजेदार, मतलब धूप आ रही है ना मेरी आंखों पे इसलिए आके बंद कर रही। इतनी मीठी है ना, मार्केट में इतनी मीठी नहीं मिलती, खट्टी होती है थोड़ी, बड़ी एकदम शहद की तरह मीठी है। मजेदार, जैसे हम स्ट्रॉबेरी शेक या आइसक्रीम खाते हैं ना, जो स्ट्रॉबेरी का टेस्ट आता है बिल्कुल वही टेस्ट आ रहा है इसके अंदर।